तो मर्सिडीज में जो फोर व्हील ड्राइव को फोर मैटिक के नाम से मतलब बुलाया जाता है। गियर नॉब आप यहाँ पे ढूंढ लीजिए एक बार, यहाँ पे कहीं पे भी आपको गियर नॉब नहीं दिखेगा, बिकॉज ये बटन दबाने के बाद आप वो वाली जो सीट है उसको भी कंट्रोल कर पाओगे। अब ये वो सीट जो आगे आ रही है वो आप देख पाओगे, मतलब फीचर्स बताऊं ना तो आप पागल हो जाओगे भाई। मैं क्या कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे बैठ के, मैं सारी चीजें ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं अभी यहाँ का सेट हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्यू, मेरा नाम है ओमकार और आज हमारे साथ है मर्सिडीज की दो शानदार गाड़ियाँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे एक साइड में है मर्सिडीज की एमएल क्लास और एक साइड में है मर्सिडीज की ई क्लास। तो ये जो दोनों कार सही है कारमोर नासिक के अंदर सेल के लिए अवेलेबल है एज ए सेकेंड हैंड कार, और आप दोनों कार्स को खरीद भी सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम दोनों कार्स का एक रिव्यू लेने वाले कि गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करने वाले कि यहाँ पे गाड़ियाँ कितने प्राइस में सेल के लिए अवेलेबल है। बाकी ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको जल्दी से दबा दीजिए, और चलिए अभी जल्दी से गाड़ियाँ देखते हैं। तो भाई ये है वो दोनों कार्स जो कि आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मर्सिडीज एम क्लास 2014 की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मर्सिडीज ई क्लास 2017 की। तो यहाँ पे आप दोनों कार्स के जो ये कलर्स भी देख सकते हैं, ये है ग्रे कलर और ये है सिल्वर कलर, दोनों के जो कलर्स है वो भी काफी खूबसूरत लगते हैं। और मर्सिडीज नाम मतलब आपको एक प्रॉपर लग्जरी मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लुक्स के अंदर से आपको समझ रहा होगा कि आपको एकदम मतलब लग्जरियस कार से यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों कार्स के अंदर के जो फीचर्स है वो भी बताऊंगा, बिकॉज दोनों के अंदर जो है मैसिव आपको फीचर्स आते हैं, बहुत सारे फीचर्स जो है दोनों गाड़ियों के अंदर भरे पड़े हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एम क्लास से, एमएल क्लास से। ये है एमएल 250 और ये एक डीजल गाड़ी है, 2014 की गाड़ी है, 2014 मैन्युफैक्चर है बट 2015 की रजिस्टर गाड़ी है। तो यहाँ पे एक बार आप इस गाड़ी के लुक्स देख लीजिए, ये एक एसयूवी गाड़ी है और मर्सिडीज ने जो ये वाला क्लास है ना ये डिसकंटिन्यू कर दिया है, इसकी जगह पे जो ये शायद से जीएलई आती है अभी। तो लुक्स तो आपको थोड़े से जीएलई से मैच दिखते हैं। यहाँ पे फ्रंट में जो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प से नीचे के साइड में यहाँ पे जो ये शायद से छोटी जो ये फॉग लैम्प दी गई है, एंड बाकी आप सामने के साइड में देख सकते हैं एज यूजुअल मर्सिडीज का जो बड़ा सा यहाँ पे जो लोगो दिया गया है, और ये जो ग्रिल है ना ये भी शायद से जो है मर्सिडीज जीएलई से मैच करती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के साइड में अगेन और एक मर्सिडीज का छोटा सा लोगो है मर्सिडीज बेंज का, और यहाँ पे ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं कुछ एयर वेंट्स वगैरह जो दिए गए हैं बोनेट के ऊपर। तो बाकी यहाँ पे आप साइड से एक बार लुक देख लीजिए। गाड़ी की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा बिकॉज मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी, तो जो लेंथ वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है। शायद से एक 5 सीटर गाड़ी है तो 5 ही लोग इसके अंदर बैठ पाएंगे। अलॉयज अगर आप देखें तो 18 इंचेस के अलॉयज जो इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, जिसके आप प्रोफाइल देख सकते हैं आगे पीछे दोनों साइड में जो डिस्क ब्रेक्स है, और गाड़ी की जो हाइट है वो भी अच्छी खासी है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ देख पाओगे। अब ये गाड़ी फिलहाल जो है थोड़े से टेढ़े सरफेस पे लगाई है, तो यहाँ पे इसकी जो लुक है वो कुछ और ही मतलब लग रही है। फोर मैटिक मतलब फोर व्हील ड्राइव, तो मर्सिडीज में जो फोर व्हील ड्राइव को फोर मैटिक के नाम से मतलब बुलाया जाता है। यहाँ पे आप पीछे के साइड में लोगो वगैरह देख सकते हैं, एमएल 250 सीडीआई मतलब डीजल गाड़ी है मर्सिडीज की तरफ से आती है। यहाँ पे आप पीछे के साइड में टेल लैम्प्स भी देख सकते हैं कि किस तरह से दिखती है। गाड़ी की जो लुक्स है ना वो बेहद प्रीमियम है, बहुत ही मतलब अमेजिंग लुक्स के साथ आपको ये दोनों कार्स यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी भाई मतलब एक क्लास है ये, मतलब मर्सिडीज मतलब एक ब्रांड बन चुका है, तो यहाँ पे आप वो देख पाओगे कि आपको सारी लुक्स के अंदर जो ये मर्सिडीज ऐसा मतलब आप अगर इस गाड़ी का छोटा सा पार्ट भी देखते हो ना तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई ये मर्सिडीज है। यहाँ पे आप ये साइड मिरर भी देख सकते हैं कि मर्सिडीज की जो साइड मिरर है वो कुछ पहले इस तरह की आती थी स्क्वायर शेप में, तो ये आपको कुछ इस तरह की मिलती है। इसके अंदर टर्निंग इंडिकेटर्स भी जो है दिए गए हैं। बाकी डायरेक्ट ही चलते हैं गाड़ी के अंदर, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर। तो ये है गाड़ी का इंटीरियर, जहाँ पे आप देख पाओगे कि पूरा ही ब्लैक कलर का इंटीरियर है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा वुडन टच दिया गया है, और जो इसकी फ्रंट दोनों सीट्स है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होने वाली है। वहाँ पे भी आपको जो ये कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको सेम कंट्रोल्स मिलते हैं, और मेमोरी सीट के कंट्रोल्स शायद से यही कहीं पर तो भी हो गए, तो वो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहे। देन यहाँ से भी आप कुछ कंट्रोल जो ये लंबार सपोर्ट वगैरह ऑपरेट कर पाओगे। बाकी गाड़ी की जो हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक फुट स्टेप दी गई है छोटी सी, तो यहाँ पे आप पैर रख के आराम से जो ऊपर चढ़ सकते हैं। मर्सिडीज बेंज की यहाँ पे जो ये स्कर्फ प्लेट दी गई है, ऑब्वियसली ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है बिकॉज अभी मर्सिडीज जो ये मैनुअल गाड़ी बनाती ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि स्टेयरिंग किस तरह का है, अभी हमने थोड़े से जो टायर से वो मोड़ लिए है तो आपको थोड़ा सा ये मतलब अलग लग रहा होगा। तो गाड़ी की एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मेरे पास दोनों कार्स की कीज़ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मर्सिडीज ई क्लास 2017 की है तो उसकी जो की है थोड़ी सी अलग है, और ये है अपनी मर्सिडीज एमएल की चाबी। तो यहाँ पे मैं इसको प्लग कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको प्लग करना पड़ता है।
और भाई गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया है, डीजल गाड़ी है, बहुत ही शांत गाड़ी है यार। मतलब अंदर तक इसी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती कि भाई डीजल गाड़ी है, तभी भी अंदर मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि डीजल है। और यहाँ पे आप स्टेयरिंग देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ है। और मर्सिडीज की यही तो खासियत रहती है कि मतलब आपको ड्राइविंग एकदम स्मूथ मिलती है, कंट्रोल्स एकदम मस्त मिल जाते हैं। बाकी आप डैशबोर्ड भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये वुडन की काफ़ी सारी फिनिश है। यही इसका ग्लोव बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज पड़े हैं। यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है ना, ये टच डिस्प्ले नहीं है। वैसे वो वाली जो 2017 की गाड़ी है ना, उसके अंदर भी टच डिस्प्ले नहीं आता है, बिकॉज मर्सिडीज जो है प्रेफर करती है कंफर्ट। तो यहाँ पे आपको जो कुछ कंट्रोल्स मिल जाता है डिस्प्ले को ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टच करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से आप मतलब ऐसा हाथ रखे और यहाँ से सारी चीजें ऑपरेट करें। बाकी DSR यहाँ पे और कुछ कंट्रोल जो दिए गए हैं ऑफ रोडिंग के लिए, बिकॉज एक SUV है। और बाकी आप यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, AC के कुछ कंट्रोल्स देख सकते हैं। यहाँ पे और जो ये कुछ इस डिस्प्ले से रिलेटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ी जो है कितनी चली है, तो यहाँ पे शायद से नहीं दिख रहा, बट गाड़ी जो है अराउंड कुछ तो भी 89,000 किलोमीटर जो है चल चुकी है। तो पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा, बट गाड़ी जो है 89,000 किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ से ट्रिप कहाँ से चेंज होती है वो मुझे पता नहीं, बिकॉज इस गाड़ी के जो कंट्रोल्स है ना वो बहुत अलग है। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स इस साइड में मिलते हैं, गियर नॉब आप यहाँ पे ढूंढ लीजिए एक बार, यहाँ पे कहीं पे भी आपको गियर नॉब नहीं दिखेगा, बिकॉज इसका जो गियर नॉब है ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिवर्स मैंने डाल दिया, इसको मैं पार्किंग पे डाल देता हूँ। सो यहाँ पे पार्किंग पे निकल गई। यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है वो आपको यहाँ से जो ऑपरेट करते आता है, तो मैंने उसको डाल दिया है। तो गाड़ी को मैं बंद कर लेता हूं। और यहाँ पे आप बाकी चीजें देख सकते हैं कि आपको क्या कुछ यहाँ पे चीजें मिलती है। सीट्स अगर आप देखें ना, तो बेहद प्रीमियम, मतलब बेहद कंफर्टेबल सीट्स है। प्रीमियम तो क्या, मतलब गाड़ी प्रीमियम है। और यहाँ पे लेदर सीट्स है ब्लैक कलर के। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बॉक्स जो है कुछ इस तरह से खुलता है। इसके अंदर बहुत सारी जो है स्टोरेज स्पेस है, जिसके अंदर कुछ आप सामान रख पाओगे। यहाँ पे ऊपर के साइड में जो ये अच्छा खासा जो है सनरूफ दिया गया है, जो कि आप यहाँ से जो खोल पाओगे। तो गाड़ी बंद है तभी भी ये खुल रहा है, तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, बिकॉज गाड़ी की जो बैटरी है वो लो हो जाती है, तो मैं इसको पूरा नहीं खोलूंगा। तो ये आपको कुछ सनरूफ मिलता है। चलते हैं पीछे के सीट्स के ऊपर, और ये मैं आपको दिखाना भूल गया, यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल जो ये आगे की दोनों ही सीट्स मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे जो है देख पाओगे। और भाई मतलब गाड़ी डेफिनेटली बहुत प्रीमियम है। आगे से चलते हैं पीछे के सीट्स के ऊपर, कि एक बार मैं निकाल देता हूँ इसकी। और यहाँ पे आप डोर्स के यहाँ पे भी देखें ना, तो काफ़ी सारी जो क्रोम की फिनिशिंग जो है दी गई है। ये है पिछली सीट्स इस गाड़ी के, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2014 की गाड़ी है। स्टील आपको जो है काफ़ी अच्छी जो है चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये है इसका हैंडरेस्ट, जिसके अंदर जो है दो को फोल्डर्स है। और यहाँ पे जो है पीछे के साइड में कुछ AC के ब्लोर जो है दिए गए हैं, दो दिए गए हैं। बाकी ऊपर के साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ रीडिंग लैंप जो है दिए गए हैं पकड़ने के लिए हैंडल्स, और यहाँ पे जो ट्वीटर्स वगैरह दिए गए हैं। तो गाड़ी की जो साउंड क्वालिटी है वो चेक करना रह गया, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं हम। और एक बार मैं आपको इस गाड़ी की उससे पहले बूट दिखा देता हूँ, फिर आवाज़ चेक करके डायरेक्ट ही हम गाड़ी की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो भाई बहुत ही हेवी है, मतलब क्वालिटी बहुत तगड़ी है। एंड यहाँ पे पीछे के साइड में आप देख सकते हैं, आपको मैसिव बूट स्पेस मिलती है भाई। मतलब अगर आप ट्रैवलिंग करते हो बहुत, तो आपको लगेज रखने के लिए जो ये बहुत अच्छी यहाँ पे स्पेस मिलने वाली है। बाकी ये इसका सर्विंग ट्रे है, तो इसको आप कुछ इस तरह से लगा सकते हो। ऊपर के साइड में आपको कुछ भी कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, तो हाथ से ही आपको बूट ऑपरेट करनी पड़ेगी। बाकी आप यहाँ पे जो ये एक बार इसका जो ये साउंड सिस्टम चेकआउट कर लीजिए। तो काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे जो इसके अंदर साउंड सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब साउंड जो है काफ़ी अच्छी है। और डायरेक्टली बात करते हैं गाड़ी के डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पे ये जो ये 2015 रजिस्टर गाड़ी है, और 2014 की मैन्युफैक्चर गाड़ी है, मर्सिडीज एम क्लास, मर्सिडीज ML क्लास, ML 250। और ये एक डीजल गाड़ी है, 89,000 किलोमीटर जो गाड़ी चल चुकी है, और फर्स्ट ओनर गाड़ी है, सिंगल ओनर गाड़ी है। बाकी अगर हम प्राइस के बारे में बात करें, तो ये गाड़ी यहाँ पे जो है 26 लाख रुपीस में अवेलेबल है, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। और इस गाड़ी के ऊपर आपको फाइनेंस का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप 18 लाख तक इस गाड़ी के ऊपर जो फाइनेंस कर पाओगे। और मतलब आपको जो अराउंड 8 लाख रुपये जो डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा, और बाकी के अमाउंट का जो आप फाइनेंस भी कर पाओगे।
तो ये एक काफी अच्छी चीज है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली गाड़ी की तरफ, जो कि है मर्सिडीज ई क्लास 2017 का मॉडल। और इसके अंदर जो है ना इतने ज्यादा फीचर्स है तो मैं आपको क्या ही बताऊं। सबसे पहले तो आप इस गाड़ी की ही देख लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत ही मस्त एक की मिलती है। लुक्स में आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे हेडलैम्प्स आपको जो है कुछ इस तरह के मिलते हैं, और यहाँ पे कुछ आपको DRLs वगैरह मिलती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, और ये एक मर्सिडीज के हाई परफॉर्मेंस LED के साथ आते हैं। बाकी आप फ्रंट लुक तो देख ही सकते हैं, बड़ा सा मर्सिडीज का लोगो, ऊपर के साइड में छोटा सा मर्सिडीज का लोगो, मतलब दो दो लोगो जो यहाँ पे दिए गए हैं। अलॉयज आप यहाँ पे देख सकते हैं, बड़े से आपको 70 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं। इनकी जो प्रोफाइल है वो एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, 225/55R17 इसकी जो है टायर प्रोफाइल है। और गाड़ी की जो साइड लुक है वो भी आप फिर से देख सकते हैं, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबी गाड़ी है, 5 मीटर इसकी लेंथ है और 2.7 मीटर्स का इसका जो कुछ तो भी व्हील बेस है, सॉरी 3 मीटर्स का इसका जो व्हील बेस है। तो बहुत ही लंबी गाड़ी है, मर्सिडीज ई क्लास है इसका नाम। बाकी आप इसके डोर हैंडल्स देख सकते हैं, क्रोम में है, यहाँ पे भी जो ये पूरा ही क्रोम दिया गया है। और ये है इसकी पीछे से लुक। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी बूटी दिखा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो है बहुत बड़ी बूट मिलती है, तो एकदम मैसिव आपको बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 540 लीटर्स की बूट स्पेस है इसकी। तो मैसिव एकदम बूट स्पेस है, आपको बहुत सारी जो है लगेज के लिए स्पेस मिलती है। इवन वो जो मर्सिडीज एम क्लास है ना, उसके अंदर भी जो है बहुत सारी लगेज की स्पेस मिलती है। बाकी आप गाड़ी के पीछे से लुक्स देख सकते हैं, यहाँ पे जो है E220D की बैजिंग कर रखी है, बिकॉज एक मर्सिडीज ई क्लास है। फिर से एक बार आप साइड लुक देख लीजिए कि गाड़ी साइड से किस तरह से दिखती है, और डायरेक्टली चलते हैं गाड़ी के अंदर, जहाँ पे मैं आपको गाड़ी के जो अंदर के फीचर्स है वो बता देता हूँ, बिकॉज बाहर से ज़्यादा अंदर से अमेजिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्सिडीज बेंज के नीचे के साइड में स्कर्फ प्लेट है, यहाँ पे जो है साइड में डोर्स के अंदर जो है बहुत सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसिव कंट्रोल्स के साथ आती है। वैसे हमने इसका एक सेपरेट रिव्यू भी निकाला है, जिसके अंदर मैं आपको और जो है डिटेल में इसका रिव्यू देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर विंडोज के कंट्रोल्स वगैरह, ORVMs के कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे जो ये सीट्स के कंट्रोल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की सीट्स है। इसका जो इंटीरियर है ना, स्पेशली बहुत अमेजिंग लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेज एंड ब्लैक कलर का यहाँ पे जो इंटीरियर का कॉम्बिनेशन दिया गया है, और वुडन ट्रीटमेंट जो इसके अंदर स्पेशली बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे वुड का मतलब इस्तेमाल किया है। और ये वाला जो बटन है ना, ये काफ़ी स्पेशल है, ये बटन दबाने के बाद आप वो वाली जो सीट है उसको भी कंट्रोल कर पाओगे। अभी वो सीट जो आगे आ रही है वो आप देख पाओगे, एंड अभी उसको मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ। तो ये बटन से मतलब यही वाले बटन से आप वो वाली सीट भी ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर आप इसको बंद करें तो आप ये वाली सीट भी जो ऑपरेट कर पाओगे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, और मतलब मर्सिडीज ये जो चीज़ें ये अपने कंफर्ट के लिए देती है, ये तो मतलब बस शुरुआत है। अभी पिछले अगर मैं आपको मतलब फीचर्स बताऊँ ना तो आप पागल हो जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट डैशबोर्ड इसका किस तरह का है, ये थोड़ा सा आपको देख के मर्सिडीज अपना सॉरी XUV700 की याद आ रही होगी, बट वो मर्सिडीज से इंस्पायर्ड है। बाकी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये इसका स्टार्ट स्टॉप का बटन है, इसके अंदर आपको की नहीं लगानी पड़ती। तो भाई गाड़ी चालू हो चुकी है, अगेन एक बार आप इसकी जो साउंड क्वालिटी सुन लो, तो यहाँ पे एक बार आप सुन लीजिए भाई, इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना वो नेक्स्ट लेवल है। बाकी यहाँ पे गाड़ी की जो मतलब केबिन है वो भी एकदम शांत है, यहाँ पे आपको जो ये नेविगेशन वगैरह मिलता है, ये अगर एक टच डिस्प्ले नहीं है, मैंने आपको पहले बोला था ML क्लास के अंदर ही ये जो डिस्प्ले आप यहाँ से ऑपरेट कर पाएगी। यहाँ पे आपको जो पूरे ही टच सेंसिटिव बटन्स मिलते हैं, बस आपको यहाँ पे जो टच करना है, जो अपना लैपटॉप का माउस रहता है ना उस तरह का आपको ये यहाँ पे मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको जो ये एक मर्सिडीज की एक एनालॉग क्लॉक मिलती है, जो कि आपने रोल्स रॉयस के अंदर भी देखी होगी, तो उसी तरह की आपको कुछ मिल जाती है यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे आपको जो ये दो कप होल्डर्स, यहाँ पे बहुत सारे एसी के बटन्स, एंड यहाँ पे अगर आप एसी वेंट्स देखें ना तो भाई इसके अंदर अनगिनत एसी के वेंट्स है। यहाँ पे सामने के साइड में मतलब नॉर्मल गाड़ी के अंदर 4 AC के वेंट्स रहते हैं, सामने के साइड में इसके अंदर 6 दिए गए हैं, तो भाई कूलिंग एकदम मस्त होने वाली है। ऊपर के साइड में अगर आप सनरूफ देखें ना तो पैनोरामिक सनरूफ जैसा ही ये सनरूफ है, बट सिर्फ ये स्प्लिट किया है। आप देख सकते हैं कि पीछे के साइड में एक अलग कंपार्टमेंट है, आगे के साइड में एक अलग कंपार्टमेंट है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, पूरी कांच कांच दिखती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो वैनिटी मिरर्स विद लाइट, ये साइड में भी आपको सेम चीज़ मिलती है, और यहाँ पे आपको कुछ सनरूफ के बटन्स मिलते हैं, यहाँ से आप जो है सनरूफ को खोल पाओगे। तो भाई ये भी काफ़ी एक सेटिस्फैक्ट्री मतलब चीज़ है सनरूफ खोलना, बड़ा सा सनरूफ है इसका, तो ये एक चीज़ है। बाकी चलते हैं गाड़ी के पिछले सीट्स के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे तो मतलब बहुत फीचर्स है, बट इससे ज़्यादा तो पीछे के साइड में है, क्योंकि ये गाड़ी जो मतलब पैसेंजर रहता है ना, शॉफर ड्रिवन कार जैसी गाड़ी है, मतलब चलने में भी बहुत मस्त है। इसके अंदर जो है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, सॉरी डीजल इंजन है 2 लीटर का, और ये है इसकी पिछली सीट्स। तो भाई
आगे इसे ज्यादा तो मुझे पीछे ज्यादा मजा आता है इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पे आप लेग स्पेस देख लीजिए, मर्सिडीज एस क्लास जितनी तो नहीं बट उससे थोड़ी सी जो है कम लेग स्पेस यहाँ पे मिलती है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। बाकी आप यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह तो देख ही पाओगे, यहाँ पे जो एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है फ्रंट साइड में भी आपको सेम जो ये डैशबोर्ड के यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, बट अभी गाड़ी बंद है शायद से तो यहाँ पे नहीं दिख रही। और यहाँ पे पीछे के एसी के कुछ आपको कंट्रोल्स मिलते हैं शायद से, इसके अंदर 3 या 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। ऊपर का आप एक बार सनरूफ देख लीजिए, और भाई सबसे मेन चीज यहाँ पे आप कंट्रोल से देख लीजिए, ये कंट्रोल से मैं क्या नहीं कर सकता मतलब वो आप मुझे बताइए। कुछ कंट्रोल्स ऑपरेट करने के लिए मुझे ना इस गाड़ी को स्टार्ट ही करना पड़ेगा, तो एक बार मैं इसको स्टार्ट करके आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फिर से आ चुका हूँ पिछली सीट्स के ऊपर, जहाँ पे आप एम्बिएंट लाइटिंग जो है ठीक से देख पाओगे। और यहाँ पे ये वाला अगर मैं बटन दबाऊ ना तो यहाँ पे जो पिछला जो सनवाइजर है वो ऊपर आता है, उसको मैं ऑपरेट कर पाऊंगा, तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ। बाकी अगर मैं ये वाला बटन दबाऊ तो इससे जो है आप मतलब मैं सनरूफ जो है बंद कर पाऊंगा या खोल भी पाऊंगा, तो ये एक अगेन मुझे काफी अच्छी चीज लगी। बाकी इसको मैं खोल लेता हूँ, और अगर मैं ये वाला बटन दबाऊ ना तो मैं ये साइड की विंडो जो है ऑपरेट कर पाऊंगा, और अगर मैं ये वाला बटन दबाऊ तो मैं अपनी जो है विंडो ऑपरेट कर पाऊंगा। मतलब भाई मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे बैठ के मैं सारी चीजें ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं अभी यहाँ का सेट हूँ तो ऐसा कुछ है भाई इधर। बाकी ये साइड में भी जो ये सेम बटन्स दिए गए हैं, मैं यहाँ से जो ये यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया ना ये चारों बटन्स आपको यहाँ पे भी जो है मिलते हैं, तो यहाँ से भी आप सारी चीजें ऑपरेट कर पाओगे। इवन अगर आप यहाँ पे देखें ना तो आपको पिछले साइड में भी जो ये सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है, और 3 मेमोरी सीट के फंक्शन के साथ, और ये जो है ना ये एक बॉक्स सीट है शायद से, तो ये अगर मैं बटन दबाऊ ना तो ये वाली जो आगे की सीट है ना उसको भी मैं ऑपरेट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ये वाले बटन से ये वाली सीट ऑपरेट कर रहा हूँ, तो भाई मतलब क्या नहीं दिया इसके अंदर। ऊपर के साइड में आपको जो वैनिटी मिरर्स मिलती है, यहाँ पे भी आपको जो सेम चीज मिलती है। मुझे तो भाई अभी मतलब जो जैगवार की एक्सजेल है ना उसकी याद आ रही है, तो उससे भी ज्यादा फीचर्स इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, और इससे उससे ये सस्ती थी मतलब, तो ये कुछ चीजें आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है। बाकी गाड़ी को मैं बंद कर लेता हूँ, और बात करते हैं डायरेक्टली गाड़ी के डिटेल्स के बारे में कि भाई गाड़ी की कीमत क्या है, आप कितने में यहाँ पे गाड़ी खरीद सकते हो। तो 2017 की मर्सिडीज ई क्लास है, E220D डीजल गाड़ी है, सिंगल ओनर कार है, और ये जो गाड़ी है ना ये 49,000 किलोमीटर चल चुकी है। गाड़ी की जो डील है वो है 39 लाख की, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। अगर आप ये गाड़ी वो टाइम पे नहीं लेने को जाते थे तो अराउंड 65-70 लाख की ये गाड़ी आती थी, क्योंकि इतने ज्यादा फीचर्स भी इस गाड़ी के अंदर दिए हैं। तो ये कुछ आपको चीजें इस गाड़ी के अंदर मिलती है। बाकी इस गाड़ी के ऊपर भी आपको फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है, तो अराउंड आप इस गाड़ी के ऊपर जो है 27 लाख का फाइनेंस कर पाओगे। मतलब ये गाड़ी जो है आप 13 लाख के आसपास घर पे लेके जा सकते हो, मतलब डाउन पेमेंट आपको जो है 13 लाख रुपए भरना पड़ेगा, और बाकी के अमाउंट का आप जो है फाइनेंस कर सकते हो। तो ये भी एक काफी अच्छी डील होने वाली है भाई। मतलब कंडीशन आप देख चुके हैं दोनों कार्स की, एकदम कंडीशन जो है टकाटक है। बाकी दोनों कार्स अगर आपको बाय करनी है तो आप नासिक के कार मॉल में आके जो विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आके आप दोनों कार्स को जो बाय कर पाओगे, और अगर आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे आके जो विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आज के वाले वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको जल्दी से दबा दीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए एशिया अमेजिंग कार्स की वीडियो जो लाता रहता हूँ, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली एशिया अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।